चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 10B की, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से वो बुक्स है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में। ठीक है, याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग सभी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और आपकी जितनी भी एनसीईआरटी आपके लिए जरूरी है वो सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा कि कौन कौन सी जरूरी है, सब वहां बताई दी गई है और वहीं डाल दी गई है। ठीक है, और कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की हम सभी बुक्स वैसे भी देख भी चुके हैं, और एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं सभी क्लास में। ठीक है, आज हम बात करते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है, राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाले 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर भी करेंगे। ये है आपकी लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश भी करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकार हैं या फिर नुकसानदेह। वैसे तो मैं कहता हूं कि सभी को, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो सभी को इस तरह की आपकी बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको अपने यहाँ की पॉलिटी जाने तो चाहिए, मतलब राजनीति के आखिर है क्या, चल क्या रहा है, राजनेता कर क्या रहे हैं, तो सबको जानकार होना चाहिए। लैंगिक मसले और राजनीति, ये आप देख रहे होंगे, स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल का एक पोस्टर है, किस तरह से जकड़ा हुआ है देख रहे हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या फिर कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों की बारे में पिछले रूढ़ियां, छवियां, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यानी कि जो लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती हैं आप लोग, आज की नहीं है, ये बहुत पहले से कई लोगों ने इन्हें गढ़ दिया है, एक छवि गढ़ दी गई है। आप नहीं जानते हैं कि आप देखते हैं कि पुलिस के प्रति एक छवि गढ़ दी गई कि खराब है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्थिति मतलब बता दी गई। इसी तरह स्त्रियों की भी, यानी कि इनकी भी एक छवि बना दी गई है गलत, कि ये घर का काम कर सकती हैं, ये बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं समय, हर उस क्षेत्र में अग्रसर हैं महिलाएं, जिसमें पुरुष भी होते हैं, तो अब संभव है। लेकिन क्या है कि पुराने ही जमाने से, सबसे प्राचीन काल से ही उन्हें कह दिया गया, तुम खाना बनाइए, तुम घर का काम संभालिए, तुम बच्चे को संभालिए, तो वही अभी भी रूढ़ी वाली छवियां चलती आ रही हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतों को औरतें करती हैं, या फिर अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या फिर नौकरानियों से करवाती हैं, लेकिन इनका इसमें योगदान होता है, यानी कि ये बाहर नहीं, घर में ही आपका देखरेख करती रहती है। निजी और सार्वजनिक विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने का है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करते हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द से ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इस प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो कि ऐसा भी नहीं है, गांव में स्त्रियां पानी और जलवान जुटाने से लेकर खेत में कटने तक का काम करती हैं।
शहरों में हम भी देख सकते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि घर में स्त्रियां ही खाना बना सकती हैं। पुरुष भी आप देखते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाइए, रेस्टोरेंटों में भी जाइए, वहां आप देखते हैं पुरुष ही वेटर का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, रसोईया। और कई जगह आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े घरों में जाकर बच्चों को संभालने का काम भी करते हैं। लेकिन एक सोच बना दी गई है कि अपने यहाँ काम नहीं करेंगे, वहां अपनी स्त्रियों को उसी तरह से रखेंगे, अपनी पत्नियों को दूसरे की जगह काम करेंगे। ये आपके जन्म लेने से ही मतलब गढ़ दी जाती हैं छवियां, क्योंकि आपने देखा है एक लड़की का जन्म होता है तो उसे एक गुड़िया दे दी जाती है, उसे मतलब, और लड़के को एक बैट बल्ला इस तरह के गन भन, मतलब तभी से एक छवि मतलब भेदभाव करना शुरू कर दिया जाता है। कई परिवारों में मैंने देखा है, कई परिवार सक्सेस होंगे, कई बार परिवार नहीं मानते होंगे, लेकिन लड़के को अधिकतर तजब्बो दिया जाता है। मतलब उसे आपने देखा होगा खाना अच्छा, बहन है तो बहन को कम खाना, मतलब बुरी स्थिति से लड़के को कुछ ज्यादा ही महत्व देना, इस तरह की असमानता आप बचपन से ही शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि बचपन से जो भरेंगे वही तो आगे बढ़ता जाएगा। तो यही हाल है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में ही सीमित रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनका मूल भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुष को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या फिर सार्वजनिक पदों के चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने उठा दिया। उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि अभी आज सोचे कि आज ही में ये खाई पट गई, यानी कि खाई आ गई है, ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में भी आपने देखा है कि लोग बाहर शिकार करने जाते थे, महिलाएं घर में काम करती थी, समझ रहे हैं? तभी से भेदभाव शुरू हो चुका था लगभग लगभग अभी। लेकिन आप स्थिति अभी 21वीं सदी की देख रहे हैं कि अभी भी कई समाजों में इस तरह की भेदभाव देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर आपने देखा है अब लड़कियां वो काम कर रही हैं, आपने देखा है जो लड़के भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मतलब अब भेदभाव खत्म होने हैं, इस बार तो आपने देखा है, लेकिन अभी भी भेदभाव है। राजनीति में आपने देखा है कि आपकी आम जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 78 महिलाएं चुनी गई सांसद, लोकसभा की सदस्य बनी, तो मतलब समझ रहे हैं कि मतलब एक ना के बराबर चुनी गई हैं। 545 में से अगर 78 चुनी जाती है तो एक असमानता ही तो देखने को मिलती है। 70 साल के राज में देश में हमारे 70 साल आजाद होने जा रहे हैं, तब से हमने आज तक कितने एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति महिला दे पाए हैं, मतलब ये असमानता तो है, देख रहे हैं आप लोग। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को भी पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे एक स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा भी है। यह आप देखिए आदर्श स्त्री की कुछ बनाई गई टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरियां, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, देख रहे हैं पिक्चर, भाभी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर एक महिला को अगर आप शिक्षित करते हैं तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो केवल
अपने तक सीमित रहता है, तो ये भी देखने को मिलता है। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया, इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुष द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिख पड़ता है, क्योंकि उसमें उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। और एक बात आपने देखी होगी कि घर में एक माँ हो, चाहे बेटी हो, या फिर कोई भी आपकी पत्नी हो, तो देखते हैं आप लोग सुबह से वो 4 से 5 बजे उठ जाएगी और शाम के 7 से 10 बजे तक, मतलब 9-10 बजे के पहले नहीं सोती है। मतलब 24 घंटा में इतना काम करने के बाद भी उसके काम को तवज्जो नहीं दिया जाता है, ना ही कोई महत्व देते हैं आप लोग। अगर आप 6 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं कहीं किसी भी ऑफिस में, तो आप अपने काम को कितना महत्व देते हैं। समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनट में अगर हम लोग बात करें, तो ये गतिविधियां होंगी, ये पुरुष और ये महिलाओं में। आमदनी वाले काम 6 घंटे और महिलाओं के लिए 2 घंटे 40 मिनट। घर के काम की बात करें तो 30 मिनट पुरुष दे रहे हैं और महिलाएं कितना देती हैं, 5 घंटे। गप्पबाजी में आपके पुरुष 1.25 मिनट यानी कि 1 घंटे 25 मिनट, महिलाओं की बात करें तो 1 घंटे 20 मिनट। बिना काम के पुरुष 3 घंटे 40 मिनट, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, अगर महिलाओं की बात करें तो ये 3 घंटे 50 मिनट। सोना, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह 12 घंटे 25 मिनट और महिलाओं के लिए 11.10 घंटे, 11 घंटे 10 मिनट। नारीवादी, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष के लिए नारीवादी कहते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार में भी समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण तैयार कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं के काम पर 1 हफ्ते तक गौर करें और दर्ज करते चलें कि निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देता है। आमदनी वाले काम पर दफ्तर, दुकान या फिर कारखाना अथवा खेत वगैरह में काम करना, घरेलू काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बूढ़ों का की देख रेख करना वगैरह, पढ़ना और मनोरंजन, गपशप करना, अपने शरीर की साफ सफाई, आराम करना, सोना, जरूरी लगे तो आप नई श्रेणी भी बना सकते हैं। इसमें से हर काम में जो समय लगा है उसका हफ्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज का औसतन समय निकालें। क्या आप अपने परिवार की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर कभी अपने आप में देखें, मिलें, सोचें, तो आपको पता भी चल जाएगा कितना मेहनता काम होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन क्या है कि उसमें अप्रत्यक्ष, ना तो आप जीडीपी में उनका योगदान जोड़ा जाता है महिलाओं का, समझ रहे हैं, तो इसलिए महत्व भी उन्हें कम दिया जाता है। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार भी देखने को मिला है आपको, पर वे सभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। अभी भी हमारे समाज में अभी भी पितृप्रधान है। पितृप्रधान मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपने देखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसमें भी हिस्सा किसे, लड़की को ना के बराबर कर दिया जाता है। कानूनी प्रावधान मिला हुआ है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि समाज में किस तरह की कुरीतियां छाई रहती हैं और लड़के को घर के हर काम में मतलब शामिल किया जाता है। तो इसी को पितृप्रधान कहते हैं, यानी कि पिता, यानी कि पुत्र पिता की चलना, ठीक है, मेल की चलना, फीमेल की कम तवज्जो देना उसे। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव आपको देखने को मिलेंगे, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में यह 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली। और इस समय तो आप देख रहे हैं कि कोई भी रिजल्ट आ रहा है, लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। फिर भी चाहे आप लोग किसी बोर्ड का एग्जाम या CBSE का या फिर किसी और एग्जाम की बात कर लीजिए, अब काफी हद तक समाज बदल रहा है। कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं होता है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव करते होंगे, समझ रहे हैं।
इस स्थिति में चलते अभी ऊंची तनख्वाह वाली ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है, पर उसका उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यांकन नहीं माना जाता है। या आपके कुछ पॉइंट दिए हुए, इन्हें भी देख लीजिए। क्या आप इस मानचित्र में अपने जिले को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग अलग रंगों में अंकित जिलों से कितना कम ज्यादा है? अगर आप मतलब आपको अपने जिले का लिंगानुपात पता होगा, साक्षरता का भी पता होगी, तो नीचे लिख कर बताइए मुझे कि आपके जिले में लिंगानुपात क्या है आपके। और अगर इंटरव्यू जाते हैं आप लोग, तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? कि आपके पूछा जाता है, नॉर्मल बात है कि पूछेंगे। उन प्रांतों की पहचान कहें जहां बाल लिंगानुपात 850 से कम है। अगले पृष्ठ पर दिए गए पोस्टर में इस नक्शे की तुलना करें, दोनों के मामले में अलग अलग ढंग से बताएं। 2001, ये आपका 2001 का है, लेकिन आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़े भी आ चुके हैं। अगर 2000 अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों की हम और लोग बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कई राज्यों का बेहतर है। जैसे आप देख सकते हैं कि केरल का ठीक है, उसके बाद आप देखते रहते हैं कि लिंगानुपात का सीधा सा मतलब याद रखा करिए, 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को सामान्य तौर पर आप लोग लिंगानुपात कह देते हैं। अगर 2011 की जनगणना के मामले में अगर बात करें, तो 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यानी क्या कहने का मतलब यह है कि आपकी लिंगानुपात कितना है भारत का, 943। भारत में हमेशा से ही आपका महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में अगर हम बात करें, तो ये लिंगानुपात 972 था। कितना? 972 था, जो 1941 तक लगातार घटता ही रहा। और 2001 की तुलना में 2011 में भारत के लिंगानुपात में 10 अंकों का सुधार हुआ है, यानी कि 10 अंक बढ़े हैं इसमें। इसमें अगर केरल की हम लोग बात करें, तो 2001 में था ये 1058। कितना? 1,000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं थी, यानी कि यहाँ स्थिति बेहतर थी महिलाओं की। फिर आपने 2011 में यहाँ 1084 हो गया, यानी कि बेहतर है। पुदुचेरी की बात करें तो 1037 2011 में, तमिलनाडु की बात करें 996, आंध्र प्रदेश की बात करें 993, छत्तीसगढ़ की बात करें 991, मेघालय की बात करें 989, मणिपुर 985, तेलंगाना 985, उड़ीसा 979, मिजोरम में 976, गोवा में 973, कर्नाटक में 973, हिमाचल प्रदेश में 972, उत्तराखंड में 963, त्रिपुरा में 960, असम में 958। ये सभी आपके 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अब 2021 की जब जनगणना होगी, तब आपके आंकड़े आएंगे, तो अभी फिलहाल इन्हीं को याद रखना है। असम में आपका 958 हो गया, पश्चिम बंगाल में 950, झारखंड में 948, लक्षद्वीप में आपका 946, अरुणाचल प्रदेश में 938, नागालैंड में आपका 931, मध्य प्रदेश में 931, महाराष्ट्र में 929, राजस्थान में 928, गुजरात में आपके 919, बिहार में आपके 918, उत्तर प्रदेश में 912। उत्तर प्रदेश में कितना? 912 है लिंगानुपात। पंजाब में आपका 895, सिक्किम में 890, जम्मू कश्मीर में 889। लेकिन याद रखिए, अभी दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब 2021 के जो जनगणना आएगी, उसमें सही से आंकड़े पता भी चल जाएंगे, सीटों का भी बंटवारा तब तक मालूम चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी गई है दिल्ली की तरह, और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश केवल बना दिया गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है विधानसभा की, तो उस पर भी बात करेंगे, आते रहेंगे आंकड़े। हरियाणा की बात करें तो 879, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो 876, दिल्ली में 868, चंडीगढ़ में 818, दादर और नागर हवेली में 774,
अगर दमन और दीव की बात करें तो 618। जैसे अगर सभी केंद्र शासित राज्यों में अगर पूछा जाए तो सबसे कम दमन और दीव का है, 618। और अगर हम लोग वैसे बात करें राज्यों की, तो हरियाणा में 779। ठीक है, इन्हें याद रखिए। और सबसे ज्यादा आपका केरल है, ठीक है, बेहतर स्थिति है केरल की। अपने राज्य की याद रखा करिएगा, इतना तो पूछ ही लेता है। सन 2001 में चार राज्य ऐसे थे जहां प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 800 से भी कम थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति बड़ी गंभीर है। इन राज्यों में बाल लिंग अनुपात तेजी से घटा है। इन राज्यों में प्रति हजार बालकों पर महिलाओं की संख्या 800 से भी कम थी। प्रति हजार लड़कों पर 950 से अधिक लड़कियों की संख्या वाले जिलों की संख्या 1991 के मुकाबले 2001 में एक कम हो गई है, यानी कि घटे हैं। पित्त प्रधान की बात अगर हम लोग करें, एक शब्द आया हुआ था पित्त प्रधान, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पिता का शासन। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देना, देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। इसका पित्त प्रधान, पिता का शासन। समाज में यहाँ कुछ पॉइंट है आपके, इन्हें भी देख लीजिए। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए मजदूरी, समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों में समान काम किया हो। आपने देखा है फसल, मतलब आप निचले स्तर का ले लीजिए, फसल काटने पर आप ले लीजिए, आप देखते हैं कि अगर आप पुरुषों को मतलब 200 रुपये दे रहे हैं तो उसे 150 देते हैं महिला को। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ चुनाव होते हैं कहीं भी, तो जब पुरुष अगर चुनाव लड़ रहा हो किसी भी तरह का, विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर सरपंची का, तो वो अपना नाम लिखता है, कभी उसने अपनी पत्नी का नाम साथ में कभी नहीं जोड़ा है। लेकिन एक पत्नी अगर चुनाव लड़ रही होती तो उसने देखा होगा कि अपने की पुरुष का नाम भी साथ में जोड़ कर लिखा जाता है, यानी कि इस तरह की असमानता हर जगह आपको देखने को मिलती रहती है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़की की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंगानुपात 30,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं ये 800 से भी नीचे चला गया है। अभी भी आप देखते हैं कि लड़के की चाहत हर परिवार रखता है, समझ रहे हैं? अगर किसी से बोल भी दिया जाए कि आपकी लड़की पहली लड़की हो जाए तो वो बुरा मान जाएगा। बाद में आप देखते हैं कि कई परिवारों में शादी नहीं होती है, क्योंकि लड़की कम है, कहां से कम, तो मतलब बीवी सबको चाहिए लेकिन लड़की उसके घर में नहीं होनी चाहिए। यही हाल है आपके देश का। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। और आप ये स्थिति ये मत कहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों या फिर गरीब परिवारों की स्त्रियों की स्थिति खराब है, नहीं, मैंने कई अमीर घरानों को भी देखा है, उनकी भी स्थिति उसी तरह से रहती है। काफी हद तक कई परिवार हैं कि सक्षम है, चल जाता है, लेकिन अभी भी हर परिवार में ये देखने को मिलती रहती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो अभी याद रखिए, अब नया 16वीं विधानसभा में, सॉरी 17वीं लोकसभा चुनाव में आम सुनहा में आपकी 78 महिलाएं चुनी गई, यानी कि अभी तक की सबसे ज्यादा इसी बार चुनी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसे कि नॉर्डिक देश में सबसे ज्यादा 42.3%, अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी में आपका 29.5%, यूरोप में आपका 26.4%, सहारा मरुस्थल के दक्षिणी क्षेत्र में आपका 23%, एशिया में 19.8%, पैसेफिक में 18.6%, अरब मुल्क में 15.6% और भारत में आपका 11.8%। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत में स्थिति अरब मुल्कों से भी हमारी स्थिति खराब है, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं महिलाओं का सामाजिक प्रतिनिधित्व। एक कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तब औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, आपको ऐसा लिंगानुपात का मतलब लिंग का वो नहीं होता है अनुभव कि राष्ट्रपति मतलब एक पुरुष का भाव पैदा हो रहा है, प्रधानमंत्री एक पुरुष का भाव पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं? तो यहां भी विविधता देखने को आपको असमानताएं देखने को मिल सकती है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच सकी है, और अभी याद रखिए 78 2014 से ज्यादा इस बार चुनी गई है, क्योंकि अभी आपने 19 में चुनाव हुए हैं तो वो आंकड़े अपडेट नहीं किए गए। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधि 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देश में काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व देखने को मिलता रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों नगर पालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कितना? 10 लाख से ज्यादा है। आप सोचिए कि एक आधी आबादी महिलाओं की है, लगभग लगभग आधी में आबादी ही कहेंगे आप लोग। फिर मैं उनमें से सोचिए कि आपकी 78 महिलाएं चुनी जाती हैं आम लोकसभा चुनाव में, और विधानसभाओं में आप देख सकते हैं कि आप अपने राज्यों में भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री एकाध बन गई हो तो महिला मुश्किल है, समझ रहे हैं? तो मतलब ये असमानता की खाई हमें पाटने की जरूरत है। और आपने अभी देखा है कि कई लोग वैज्ञानिक भी कह चुके हैं, कई आपके सांस्कृतिक धर्म गुरु भी कह चुके हैं कि अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने दिया जाए देशों का, तो हमारे देश और विकसित हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में मतलब एक भावनाएं होती हैं वो, मतलब कई संगठनों ने तो ये भी कहा है कि कम भ्रष्ट होती हैं पुरुषों से। अभी देखते हैं कि कितने भ्रष्टाचार होते रहते हैं, लोग किसी भी नेता को देख लीजिए, फिर चाहे आप अधिकारी को देख लीजिए, तो कहा जा रहा है कि उनकी तुलना में महिलाएं कम भ्रष्टाचार करती हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है, यह पास नहीं हो सका है। इसीलिए लैंगिक विभाजन इस बात का एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को एक किसी तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं ने से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उसको लाभ भी मिल पाना संभव नहीं? और याद रखिए, जो महिलाएं चुनी भी जा रही हैं, वो महिलाएं चुनी जा रही हैं जो बॉलीवुड से या फिर कोई एक्टर कोई खिलाड़ी है, उन्हीं को टिकट दिए जा रहे हैं। आम महिला को टिकट ना के बराबर देखने को मिलेगा। आप संसद में देख लीजिए कि आपका अगर जो भी महिलाएं चुनी गई हैं तो वो महिलाएं चुनी गई हैं जिनका या तो राजनीतिक घरानों से संबंध है या फिर कि कोई एक्टर है, बॉलीवुड का एक्टर है या किसी तरह के खेल से जुड़ा हुआ है, पावरफुल हस्ती है, उसी को चुनाव दिया जाता है जिससे कि वो जीत सके। आम स्त्री को कभी नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव में दिया जा रहा है इस समय कि आपकी सांसद है, चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अब बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से लंबित कानून, हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून भी बनाए गए हैं। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नताएं आज भी बड़ी व्यापक हो चली हैं। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं।
लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता रहा। जरा इन बातों पर गौर करिए। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब था हिंदू या फिर इस्लाम जैसे धर्मों से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े थे। उनका मानना था कि गांधी जी का कि राजनीतिक धर्म धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्धारित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सामुदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन कहता है कि सभी धर्मों में विवाहित पारिवारिक कानून महिलाओं के से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग के है कि सरकार को इस कानून को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी अभी अभी आप लोग देखते रहते हैं, महिलाओं को अभी देखते हैं कि अभी तीन तलाक जैसे मुद्दे आपने देखे हैं समाज में, समझ रहे हैं? तो इस तरह की भावनाएं अभी भी पैदा होती रहती हैं। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या फिर किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। अब आपका सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू हो जाती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय आपका उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़ा खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय के विशिष्टीकरण के दावे और पक्षरोपण पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर चलने लगते हैं राजनीति में, उसे महत्व देने लगते हैं, दूसरे को नहीं महत्व देते हैं, तब समस्या और विकराल रूप ले लेती है। इससे अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। आपने देखा है कि आपके संविधान में जब संविधान बना गया तो उसमें प्रावधान रखे गए हैं कि हम धर्म निरपेक्ष देश हैं, यानी कि हम किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। राज्य या केंद्र सरकार किसी धर्म को एक धर्म को नहीं मानने पर पक्ष यानी कि उनकी सहायता करे, दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन इस समय आप देखते हैं कि हमारे देश में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा कुछ ज्यादा ही होने लगी। इससे क्या होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय एकता है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं, क्योंकि दूसरे समाज के डर में मन में डर उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि उनके मतलब गलत रास्ते भी पकड़ लेते हैं। आतंकवादी समूह देखे आपने, कहते हैं कि इसी का उपज है कि मतलब उन्हें कम अपना डर रहता है इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। सामुदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा ना हो सकते हैं। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपर ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यही परिणाम था 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने का वजह, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से लगने लगा मुसलमानों को कि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उन्हें लगा कि अलग से राष्ट्र बना लिए जाए।
इसमें आपके राजनीतिक स्वार्थ भी थे कई, जिन्ना साहब के राजनीतिक स्वार्थ, क्योंकि उन्हें भी महत्व नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने अलग से चुनाव भी लड़ा था, ना कि बराबर वोट मिले थे, मुस्लिमों ने भी वोट नहीं दिए थे उन्हें, तो उन्होंने लगा कि एक अलग देश बनाकर हम नेता बन सकते हैं, तो उनकी स्वार्थ भी था और कई मुसलमानों के मन में एक डर भी था। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में पाकिस्तान से सुरक्षा में है, मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों से स्थिति हमारे देश के मुसलमानों की ठीक स्थिति है, समझ रहे हैं? वहां आपके जितने भी हिंदू गए हुए थे उनकी स्थिति को आपने देखा है, किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्हें मार दिया गया है, या तो धर्म बदलवा दिया गया है, तो ये देखने को मिलता रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है, हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, इन पॉइंटों को देख लीजिए। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिनों दिन जीवन में ही दिखती है, इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सामुदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप भी ले लेता है। इसे भी देख लीजिए, हम तो ठहरे अजनबी, कितना मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद, फैज अहमद फैज ने लिखा है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं का या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। इसमें आपकी जितनी कसर रहती है धर्म गुरु भी निभा देते हैं, वो भी भड़काने का काम अच्छा करते हैं, आपने देखा होगा कई मामलों में। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती रही है। पर आपका धर्म निरपेक्ष शासन की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्म निरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए, इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिलता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, आपने देखा होगा सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है, बनाया किसी एक एक धर्म का देश नहीं थोप कह सकते आप लोग। और वैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कहा जाता है, इस्लाम देश कहा जाता है, नाम ही उसका इस्लाम धर्म देश पड़ जाता है। हमारे हिंदू धर्म हिंदू अलग है, अधिक हमारे देश में, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता है उसे, एक भारत मिला जुला। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी भी देते हैं, आपके मौलिक अधिकारों में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंविधानिक अवैधानिक घोषित करते हैं। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। इसके मामले में कई अधिकार भी आपने दिए, 1955 का अधिकार अधिनियम, 1976 में इसमें संशोधन हुआ, पर आपने देखा है 1993 में भी आया, तो इसी को हटाने के लिए बातें चलती रहती हैं। इस हिसाब से देखें तो धर्म निरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिक भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है,
यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। एक खतरा है कि हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के भौतिक सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा, तथा धर्म के आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी हैं। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक और दूसरी नकारात्मक और नुकसानदायक। आइए अंतिम प्रमुख विभाजन यानी कि जाति और राजनीति की चर्चा करें। एक इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं, यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कई बनती हैं जो जाति अपनी पर्टिकुलर जाति को लेकर चलती हैं, लेकिन हकीकत में यही है कि वो भी उनका उद्धार नहीं करती हैं। वो भी राजनेता, आपने देखा होगा कि दलितों के राजनेता हैं, लेकिन दलितों का आज भी शोषण हो ही रहा है। मतलब खुद नेता बन के माला माल हो गए, लेकिन उनका हाल वही है जो पुराना था, वही हाल में जी रहे हैं वो लोग। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, लेकिन जाति व्यवस्था ये इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। यहाँ कहने का मतलब सीधा सा है कि आप नाई हैं तो नाई का काम करेंगे, आप अगर किसी और जाति के हैं यानी कि आप यादव हैं तो आपका संबंध दूध से देखा जाता है, वैसे से आप पंडित हैं तो आपका धर्म मतलब आपकी पूजा पाठ से आपको देखा जाता है। कोई अगर सफाई करने वाला है तो उसकी सफाई के नजरिए से देखा जाता है। आप देखते हैं बानिया गुप्ता या साहू हैं तो इन्हें व्यापार के मामले से जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह का भेदभाव अभी भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। अन्य देशों में इस तरह का भेदभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। जापान के विकसित होने का एक कारण यही भी कहा जाता है कि वहां इस तरह की जातिवादी सोच विकसित कभी नहीं हुई, इसीलिए जापान दो बार परमाणु हमला झेलने के बाद भी विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है, यही कारण रहा है। अन्य समाजों पर में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन की को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलती पेशों के ही होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी बात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि उस समय अगर इसे खत्म कर दिया जाता, सीधा एक धर्म बना दिया जाता, मतलब एक देश में मान लिया जाता, कोई धर्म कोई उसके आगे जाति फाति का चिन्ह ना जोड़ा जाता, तो 1947 में जब हम आजाद हुए तब मुझे लगता है कि यह संभव हो सकता था, या फिर उससे पहले भी कई बार मौका मिल सकता था। अंग्रेजों के समय भी इस तरह की मान्यताओं को खत्म कर सकते थे। आप ही सोचिए कि अगर कोई भी जाति किसी भी जाति में शादी कर सकता था, किसी भी रह सकता था किसी के साथ भी जाति के साथ, तो इसमें भेदभाव आपको ये देखने को ना मिलते, लेकिन अब इस खाई को पाटना असंभव लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो जब तक आप सोचिए कि एक धर्म दूसरे धर्म में ना जाए, उसे ना माने, तो इस तरह के भेदभाव पनपते रहेंगे समाज में, ठीक है? क्योंकि एक धर्म वाले अपने धर्म को उच्च समझते हैं और दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं, और यही होता है, समस्याएं पैदा करने लगता है। इसे आप देख रहे होंगे, यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे, पर इस पर बड़े झटके लगेंगे। देख रही है आप लोग कि मतलब अपना धर्म भूलकर एक धर्मनिरपेक्षता साबित करे, लेकिन अधिकतर मुख्यमंत्रियों और करे आप किसी भी को देखते हैं कि वो क्या करता है। वर्ण व्यवस्था, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए काम भी किया है। आपको बता दें कि अभी भी आप सोशल मीडिया, मुझे लगता है जहां तक कि सोशल मीडिया आने से और धर्म में मतलब एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरतें फैलने लगी। अभी आप खोल के देखिए, कहीं भी सोशल मीडिया पर जाइए,
वहां अपने धर्म को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाया जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और इसी का फायदा नेता उठा लेते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत क्रम में उनके नीचे रहेंगे। यानी कि अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना, दूसरी की जाति को नीचा समझना। अशोक के समय आप समझ सकते हैं कि कितना, हजारों साल पहले उस अशोक ने कहा था कि अगर आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं तो असल में आप अपने आप को गिरा रहे होते, अपने आप को नीचा दिखा रहे होते। लेकिन हम तब से अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, और ना ही मुझे लगता है कि समझ पाएंगे हम लोग। मेरे मन में नकारात्मक भाव पैदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन हकीकत समाज की आप देख रहे हैं, उसी को देखते रहे हो लगता है। अपने अपना अगर किसी समाज के प्रति किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो उस पर सब खामोश हो जाएंगे, और अपनी जाति के खिलाफ अगर अत्याचार थोड़ा सा भी हो जाए तो सब खड़े हो जाते हैं। अरे वो भी इंसान है, उस पर भी अत्याचार हो रहा है, तब भी आपको खड़ा होना चाहिए। अगर भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता की बात करें तो जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर में जाकर लोगों के उनके बारे में सूचना जुटाते हैं, धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक है वैसा ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता है तो फार्म में भी इसी वैसे ही वैसे दर्ज कर दिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचना है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में देखें कि 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की अभिवृद्धि का अनुपात का पता चलता है। आप सोचिए कि अगर ये धर्म ना होता, इस तरह के कोई सब आदमी बराबर होते, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना हमारा देश अभी तक कहीं पहुंच जाता। क्योंकि आप देखते हैं एक अगर नेता बन रहा है तो वो दूसरे की टांग खींचता रहेगा, आगे देश को बढ़ाने में योगदान देते ही नहीं, समझ रहे हैं। चीन, आप अपने पड़ोसी को देख लीजिए, मुझे लगता है कि वहां राजतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही पार्टी है, जनता को चुनने का अधिकार कभी मतलब कह सकते हैं ना के बराबर होगा, क्योंकि एक ही पार्टी है तो किसे दोगे आप वोट, अगर नहीं भी दोगे तब भी वही जीतेगा। तो उसके फायदा भी देख रहे हैं कि चीन देखिए आगे बढ़ रहा है, जापान को आप देख रहे हैं, सिंगापुर को आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ तो कमी है राजनीतिक पार्टियों में, राजनेताओं में। आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बनता। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू जैन ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उसके पीछे हो जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया है, कि आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। यही बात प्रमुख जातियों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसे आंकड़े सैकड़े सैकड़ों जातियों और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकार अनुसूची में दर्ज है, सरकारी अनुसूची में दर्ज है। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जा गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। कुल आबादी की बात कर रहा हूँ, उसमें योगदान था। जनगणना में अभी तक एक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है, इसमें चर्चा हम 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इसकी आबादी कितनी है इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2005-4-5 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं का आबादी लगभग 3/4 है। ये आप देख रहे हैं हिंदू हैं, ये आपके मुसलमान हैं 14.4%, 14.2%, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। इसमें आपका ये ईसाई है 2.3%, ये आपके सिख हैं ये आपके 1.2%, और अन्य का मामला है 2%, जिनमें आपके बौद्ध हो गए 0.7%, जैन हो गए 0.4%, अन्य धर्म जो 0.7%, कोई धर्म नहीं है जिनका उनका 0.1% माना जाता है। समझ रहे हैं? तो अभी तो आपके लिए 11 के आंकड़े जरूरी हैं, जब 2021 के आंकड़े आ जाएं तब भी आपके लिए 11 के आंकड़े जरूरी रहते हैं, तब भी आप याद रखा करिए। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप वर्ण व्यवस्था व टी की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्टोरेंट में या फिर आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। समाज ने जाति व्यवस्था में पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। अगर आपको इसे समझना है तो आप जो पुरानी मूवी आई हुई है अंबेडकर मूवी देखिए, अंबेडकर की कहानी सुनिए, आपने आर्टिकल अभी 15 आए, आर्टिकल 15 अभी मूवी आई हुई है, उसे भी देखकर आप लोग इसे समझ सकते हैं बेहतर। और याद रखिए, अभी भी आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस तरह की असमानताएं देखने को आपको मिलती होंगी कि अभी भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। शहरों में काफी हद तक बदल चुका है, अब आपके साथ पढ़ने वाला कौन किस जाति का है आप जाना उस पर विचार नहीं करते, आपके साथ बैठकर कौन खाना खा रहा है, कौन घूम रहा है, इस पर भी आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी भी गांव की तरफ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें अभी भी इस तरह के भेदभाव देखने आपको मिलते हैं। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संविधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अंग्रेजी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत से में काफी निकट निकट का संबंध है। और इस तरह के आप भी अभी भी देख रहे हैं। आप सोचिए कि अगर दोनों दो बच्चों को लीजिए, एक आपका दलित से उठा लीजिए चाहे आदिवासी क्षेत्र से पैदा होते हैं, उसके बाद मुझे लगता है दोनों की परिवारिश एक ही मतलब करनी चाहिए, पालन पोषण एक ही तरह से, शिक्षा के लिए एक ही तरह से स्कूल में डाला जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हम आगे उनमें दोनों में भेदभाव ज्यादा कुछ देख पाएंगे। दोनों ही अपने पैरों पर इस तरह खड़े होंगे कि जिस तरह सामान्य जाति का व्यक्ति खड़ा होता है। तो इन्हें शुरू से ही भेदभाव करने करने दिया जाता है। मतलब आप सोचिए कि एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है आदिवासी का, वो कहाँ तक तरक्की कर पाएगा, कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरह की असमानता जब तक रहेगी तब तक ये समाज बटा रहेगा। ठीक है, राजनीति में अगर हम लोग जाति की बात करें तो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद इस मानता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है कि यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। जाति नीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं
तो चुनाव क्षेत्र को मतदाताओं की जातियों के साथ ध्यान में रखते हुए उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूर वोट मिल जाएंगे। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उनके विभिन्न जातियों कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। आपने देखा होगा कि कई जगह अभी भी राजनीतियों में कई हर राजनीति पार्टी में आप देखते हैं कि अगर कोई बहुल क्षेत्र है यानी कोई किसी जाति अधिक रह रही वहां से तो उसी उम्मीदवार को चुना जाता है, मतलब जो उस क्षेत्र में जाति बहुल है मतलब उसकी जाति अधिक है उसी को वो टिकट दिया जाता है। तो ये भेदभाव आप लोग देखते रहते हैं हर पार्टी में, आपको कोई भी पार्टी हो भारत की उसमें देखने को मिलेगा। शहरीकरण, ग्रामीण इलाकों से निकल कर लोगों का शहरों में बसना इस शहरीकरण कहलाता है। जातिगत असमानता, आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इसमें विभिन्न संस्थाओं संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित दुर्ज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिकता और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई है, पर सदियों से जिस व्यवस्था से ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति बनाए रखा है उनका वंचित असर भी अभी भी महसूस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरने को आपको देखी जाती हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है और आज ऊंची या फिर नीची किसी भी जाति में बहुत बहुत अमीर और गरीब लोग दिखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था, तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बामुश्किल ही ढूंढे से मिलता था, पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत से निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तो और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में है। और इसे आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं अगर आप समाज में रह रहे हैं और मिलते जुलते रहते हैं समाज से, तो इस तरह की खाइयां आपको देखने को मिलती रहती हैं। इसमें आपको कोई समझाने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, आप समाज को एक तरह से भाप व्यास। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों सलाह दी जाती है? इसीलिए कि आप समाज को जाने तो जिसका आप लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि आप अगर कोई अधिकारी बन रहे हैं तो आप एक जनता का प्रतिनिधि करेंगे, मतलब जनता की देखभाल करेंगे ना, तो आपको पता तो होना चाहिए उस जनता की समस्याएं क्या है, उस जनता के बारे में समझ तो होनी चाहिए। इससे पहले आप लोगों ने अंग्रेजों को भी देखा है, वो हमारे देश में आए एकाएक उन्होंने शासन व्यवस्था करना शुरू नहीं कर दिया हमारे ऊपर, उन्होंने इस जनता को समझा है, इनकी भावनाओं को समझा है, उसी के हिसाब से उन्होंने राज करना शुरू किया। तो हमें भी यही इसीलिए कहा जाता है कि समझिए, हर जाति में गरीब लोग पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले में ज्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में है। अभी भी आप देखते हैं आरक्षण पर चर्चा चलती रहती है, कोई कहता हटा देना नहीं हटा देना चाहिए, जिसे लगता है हटा देना चाहिए वो एक बार इस तरह की बस्तियों में घूम कर जरूर देख लिया करिए, इनके बीच जाकर जरूर देख लिया करिए कि हटाने का मामला क्यों। मैं भी मानता हूं कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्थिति और शिक्षा के स्तर पर आपका आर्टिक मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति अगर सुधर चुकी है और आप अगर ST/ST से आते हैं तो आपको आरक्षण मिलना बंद कर देना चाहिए। और अगर आपकी स्थिति आप देखते हैं जनरल में भी आपने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत नहीं रखते हैं, तो उन्हें भी आरक्षण देना चाहिए। अब तो 10% मिल रहा है ठीक है, लेकिन फिलहाल इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी पहले से ही, क्योंकि अभी भी देखते हैं आप कई समुदाय अभी भी पिछड़े हुए हैं, सामान्य ओबीसी या में होके फिर भी पिछड़े हुए हैं, ओबीसी को भी आरक्षण मिला है और 10% आपका सामान को भी आरक्षण मिल चुका है, अब ठीक ही व्यवस्था है। और इन्हें मिलना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को इनकी स्थिति को देखते हुए मिलना चाहिए यार, क्योंकि इनकी स्थिति अभी भी बहुत बुरी है। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वाले लोगों का अनुपात बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, निचली जातियों में बहुत कम देखने को मिलेगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले बालों का अगर प्रतिशत की बात करें 1999-2000 की बात है, तो जाति वो समुदाय हो गया, ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, ये गरीबी रेखा के नीचे की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जातियों यानी कि ST में देखने को मिलेगा,
ग्रामीण क्षेत्रों में 45.8%, शहरी क्षेत्रों में 35.6%। याद रखिए पुराने आंकड़े हैं, इसलिए आपको बस जानना है थोड़ा, बस नए आंकड़े जो भी आते हैं जनगणना में उन्हें देखते रहिए करिएगा। अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें एससी की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 35.9% और शहरी क्षेत्रों में ये आपका 38.3% देखने को मिलेगा। अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें तो 27% ग्रामीण में और 29.5% शहरी क्षेत्र में। मुसलमान अघटित जातियों की बात करें तो 26.8 और 34.2। हिंदू अंगड़ी जातियों की बात करें तो 11.7, 9.9। ईसाई अंगड़ी जातियों की बात करें तो 9.6, 5.4। ऊंची जातियों की सिख की बात करें तो 0 ग्रामीणों में और शहरी में 4.9। अन्य समूह जातियों की बात करें तो 16.16% और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 2.7%। सभी समूहों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27 और शहरी क्षेत्रों में 23.4% है। यहाँ अंगड़ी जाति का मतलब उन लोगों उन सभी लोगों से जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ी जातियों के अंतर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये यानी कि ग्रामीण में और 450 रुपये शहरी रुपये से कम खर्च करने वाले लोग। अब एक बात आप लोग यहाँ सोचिए कि 327 रुपये माह प्रति महीने, आप सोचिए कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि 400 से 500 रुपये आपका दिन का खर्च आता होगा। ये महीने की बात की जा रही है। मैंने बताया था ना कि उस दिन पहले कि आपको कि हमारे यहाँ उन लोगों को गरीब कहा जाता है जो जिनके पास खाना नहीं है, खाने के लिए अच्छे से व्यवस्था नहीं है, और अमेरिका बाकी देशों में उन्हें गरीब स्थिति में रखा जाता है जिनके पास एक गाड़ी यानी कि फोर व्हीलर लेने की औकात नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति यहीं से हमें असमानता देखने को मिल सकती है कि अमेरिका से हम बराबरी करना करने को जाते हैं, तो हमें इस तरह की खाई को पहले हटाना होगा। आप सोचिए कि 327 रुपये में क्या होगा, महीने का खर्च चल जाएगा आप 327 में, 450 में क्या शहरों में रहकर आप लोग खर्च चला लेंगे? अगर आपका घर भी है शहरों में भी तभी आप, मुझे नहीं लगता है कि आप दिन में अगर आप चार अकेले भी आदमी हैं तो मुझे लगता है 100 से 150 रुपये 200 रुपये खाने का ही डेली का खर्च होता होगा, तो किस तरह से 455 रुपये हो सकता है? समझ रहे हैं आप लोग, ये हाल है आपका। आगे बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीति समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। आप सोचिए कि कई सालों पहले एक बात चल रही थी कि जो टैक्स भरते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। अगर ये व्यवस्था हो जाती है आपके देश में तो अभी जो नेता आपके हैं ना एक अभी भी बस्तियों में घूम लेते हैं, वो शकल भी ना दिखाते। आप सोचिए अभी वोट के टाइम कम से कम शकल देखने को मिल तो जाती है। अगर उन्हें पता चल जाता है कि गरीबों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है तो वो आपके द्वार पर भटकते भी ना, और आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब वैसे अभी भी बद से बदतर ही स्थिति है लेकिन फिर भी उससे ज्यादा हो जाती है। अभी तो आपके वोट की चाहत होती है तो इसलिए आपके घर के चक्कर लगा लेते हैं, आपके घर का खाना भी कभी कभी खा लेते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन ये उसी टाइम खाते हैं जब क्या होता है, जब चुनाव होता है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और कुछ कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है, जरा इस चीजों पर गौर कीजिए। देश में किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी के और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। याद रखिए अगर आप किसी जाति को लेकर चलते हैं और नेता बनते हैं तो एक मतलब तुम क्षेत्रीय पार्टी तक बहुत सीमित रह जाओगे समटकर। समझ रहे हैं, अगर आपको भावी नेता बनना है यानी कि मतलब देश को संभालने वाला, तो आपको सभी जातियों को लेकर चलना होगा। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़े करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार हों तो किसी भी किसी जाति के मतदाताओं
के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार है। यानी कि एक तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जाति की भूमिका हमारे चुनाव में है, इसके साथ भी है, महत्व है इसका, लेकिन और भी कारक इसमें शामिल होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर अगर राजनीति की बात करें तो अभी तक हमने ऐसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध हो। राजनीति में भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीजें अनेक रूप ले सकती हैं। हर जाति कुछ खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत बनाने के लिए दूसरी जातियों या फिर समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल बनता है। आप समझिए, अगर राजतंत्र आपके यहाँ होता और आपको क्लियर होता कि हम ही राजा बनेंगे, हमारे बाद हमारा बेटा राजा बनेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जातियों को साथ लेकर चलने की व्यवस्था होती, क्योंकि उसके बाद फिर और कुछ ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अंगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार की राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों समुदाय को गोलबंद करने का प्रयास भी करती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत और राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंच तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन भी करते रहे। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीब, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे लोगों से का ध्यान भी भटकाते हैं। कई बार जातिगत तनाव, टकराव, हिंसा को भी देखने को मिलता है। याद रखिए, आपका पहले क्यों इतना क्यों खाई पैदा हो गई है इन जातियों के बीच, इसीलिए क्योंकि पहले मालूम था कि हमारे ऊपर कोई कानून व्यवस्था नहीं लगेगी, हमें जेल नहीं जाने पड़ेगा, हमें सजा नहीं मिलेगी, तो हम बड़ी जाति के होकर नीचे वाली जातियों के साथ भेदभाव करते रहते थे। लेकिन अब स्थिति पलट चुकी है। आप समझिए कि अगर आप कोई भी हो, कितनी भी बड़ी जाति के, अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और बुरी स्थिति से प्रभावित भी होंगे आप लोग। तो इससे डर से भी काफी हद तक आपकी व्यवस्था कायम हो रही है। रंगभेद, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं जो विदेश बोलते हैं या पराई भाषा पहनते हैं, अजनबी पोशाक भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बगैरों में से मैं पूछता हूँ, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे कि क्या होता है अछुआछूत, क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है, कैसा होता है अछूत जिसकी तरह दिखता है, क्या वह खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों का दुश्मन, क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नासे, बताओ मुझे क्या जवाब होगा तुम्हारा, क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे कि मैं ही
अछूत हूँ। इसी से मैं कहता हूं कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ दो या फिर युद्ध करो। ये बाबू राव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद है, इस पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यार ये कहानी थी आपकी जाति धर्म और लैंगिक मसले असमानताओं के बारे में। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं और इनसे भी आपका काफी तक मदद। और पीडीएफ की बात करूं तो सभी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं 5वें अध्याय में, हम लोग जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में बात करेंगे।